सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हम इस वीडियो में कोशिका यानी सेल के बारे में जानेंगे। क्या आपने कभी ये सोचा कि सभी जीवित प्राणी जैसे मानव, पौधे या जंतु आखिर किस चीज से मिलकर बने हैं? बताइए, चलिए देखते हैं। इन सभी जीवित प्राणी को जूम करके देखें तो आपको बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रकोष्ठ मिलेंगे। इन प्रकोष्ठों को ही कोशिका यानी सेल कहा जाता है। यानी सभी जीवित प्राणी इन्हीं बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका ही वो सबसे छोटी इकाई है जिससे सभी जीवित प्राणी बने हैं। तो कह सकते हैं कि कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है। दोस्तों, क्या आप इन्हें अपनी आंखों से देख सकते हैं? सोचो। नहीं, ये कोशिकाएं इतनी छोटी होती हैं कि इनको खुली आंखों से तो देख नहीं सकते। अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो अपने विद्यालय की जीव विज्ञान लेबोरेटरी में सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जिस कोशिका को देख पाना इतना मुश्किल है, जिसको सिर्फ सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है, तो इसके बारे में पता लगाना कितना मुश्किल रहा होगा? सोचो। जी हाँ, 1590s में वैज्ञानिक ज़ेकरियास जेनसन ने पहला वास्तविक यौगिक सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। फिर 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक महान जीव वैज्ञानिक ने इस माइक्रोस्कोप का यूज किया और किसी पेड़ की छाल यानी बार्क को सूक्ष्मदर्शी में देखा। उन्होंने पाया कि इस पेड़ की छाल में अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ थे जिनकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसे प्रतीत होती थी। उन्होंने इन प्रकोष्ठों को कोशिका यानी सेल कहा। सेल एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा या कंपार्टमेंट। तो इस तरह से कोशिका की खोज हुई और रॉबर्ट हुक ने कोशिका के बारे में बताया। इसके बाद और रिसर्च हुई तो पता चला कि सभी जीवित प्राणी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है। सभी कोशिकाएं पहले उपस्थित कोशिकाओं से आती हैं, यानी पहले उपस्थित कोशिका विभाजित होती है और दो नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। यही स्टेटमेंट्स कोशिका सिद्धांत कहलाए जाते हैं। अब दोस्तों, ये बताओ, क्या सभी जीवित प्राणी एक जैसी कोशिका से बने होते हैं या अलग अलग? जी हाँ, सही सोचा। सभी जीवित प्राणी एक जैसे दिखते ही नहीं है, तो एक जैसी कोशिका से कैसे बने हो सकते हैं, है ना? यही नहीं, कोई भी बहुकोशीय प्राणी जैसे मानव में भी कई तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे मांसपेशी कोशिका, इसकी कुछ इस तरह की बनावट होती है, और जैसे रुधिर कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, शुक्राणु और तंत्रिका कोशिकाएं कुछ इस तरह की होती हैं। यानी कोशिकाओं में अंतर पाया जाता है और इन कोशिकाओं की बनावट उनके काम के अनुसार होती है। और अगर छोटी कोशिकाओं में आकार देखें तो कुछ कोशिकाएं बहुत ही छोटी होती हैं, जिनको आंखों से देख भी नहीं सकते, जैसे कि बैक्टीरिया, जिसका आकार लगभग 0.1 से 0.5 माइक्रोन होता है, और सबसे बड़ी कोशिका एक शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसका आकार 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर होता है। तो देखा आपने किस तरह से कई तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब हम ये देखते हैं कि कोशिकाएं दिखती कैसी हैं। ये मानव और ये पौधा। इसे जूम करते हैं। ये जो आप कोशिका देख रहे हैं, ये जंतु कोशिका है और ये पादप कोशिका है। इनकी संरचना कैसे होती है, क्या आप जानते हैं? चलिए देखते हैं। कोशिका संरचना। ये पादप कोशिका है। इसकी बाहर की परत को कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल कहते हैं, और ये केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। इसके बाद आप जंतु कोशिका में परत देख रहे हैं। इसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या आप सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये परत दोनों पादप और जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। इसके बाद आप एक गोलाकार चीज देख रहे हैं। इसे केंद्रक यानी न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के बीच जो एक क्षेत्र है, इसे कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका में बहुत महत्वपूर्ण भाग होते हैं जो एक परत से घिरे रहते हैं, जिन्हें कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। ये कोशिकांग
कोशिका द्रव्य में तैरते रहते हैं। इन कोशिकांगों का अपना अपना महत्वपूर्ण काम होता है। चलिए देखते हैं। इस अंतर्द्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर में कहीं कहीं पे काले रंग का डॉट है, इन्हें राइबोसोम्स कहते हैं। जिस अंतर्द्रव्य जालिका पे राइबोसोम होते हैं उसे खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरईआर कहते हैं, और जिस पे राइबोसोम नहीं होते उन्हें चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसईआर कहते हैं। इसके बाद ये गोल्जी उपकरण यानी गोल्जी एपरेटस है और ये लाइसोसोम्स है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके बाद पादप कोशिका में ये प्लास्टिड है। ये कोशिका अंगक सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है। और अब ये रस्थानिया यानी वैक्यूल्स हैं, जो पादप कोशिका में तो बहुत बड़ी और जंतु कोशिका में बहुत छोटी होती है। तो दोस्तों ये कोशिका की संरचना है। सारांश, कोशिका जीवन की मौलिक इकाई होती है। कोशिका के बारे में रॉबर्ट हुक ने 1665 में बताया, सभी जीवित प्राणियों में अलग अलग तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिका का निर्माण करती है। कोशिका को विभिन्न कोशिकांगों जैसे केंद्रक, मिटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइबोसोम आदि होते हैं। अब हम कोशिका आवरण और परासरण के बारे में जानेंगे।